बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ISP ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। टुडे इज लेक्चर नंबर 11 फॉर द कोर्स ऑफ सीज़मिक डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स। दिस कोर्स इज जनरली फॉर MSc सिविल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। आई myself इंजीनियर डॉक्टर मोहम्मद असलम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ सदरन पंजाब, मुल्तान। टुडे इज लेक्चर नंबर 11 एंड वीक नंबर 11। So in our today's lecture, we are going to start our new topic which is related to the response spectrum। कि जब हम किसी भी स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं, हम टाइम डिपेंडेंट जो टाइम हिस्ट्री एनालिसिस भी कंसिडर करते हैं, हमारे पास जो है वो डिफरेंट ग्राफ्स जो हमें सीज़मोग्राफ के ज़रिए से जो हमें डेटा कलेक्ट हो रहा होता है, रिकॉर्डिंग्स हमें मिल रही होती हैं, तो उन रीडिंग्स से हम किस तरह से हमारे स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं। तो उसका जो एक बेसिक एनालिसिस का मेथड है, दैट मेथड इज़ रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम। एक बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुली यूज होने वाला जो मेथड है, दैट इज़ रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम। रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम किस तरह से काम करता है, उसके अंदर क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, उनको आज हम डिस्कस करते हैं। दीज आर योर रेफरेंस टेक्स्ट बुक्स, डायनामिक्स ऑफ स्ट्रक्चर्स और अर्थक्वेक इंजीनियरिंग बाय अनिल के चोपड़ा, और उसके बाद मारियो एंड पास, विलियम लीग, नदीम हसन के अंदर भी जो है वो डायनामिक्स या सीज़मिक डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स के हवाले से एक कंप्लीट चैप्टर जो है वो बड़ा डिटेल के अंदर प्रोवाइडेड है इन्फॉर्मेशन। उसके बाद जो यूनिफॉर्म बिल्डिंग कोर्स है UBC 1997, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा डिटेल्स या रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम को बड़ा उन्होंने क्लियरली जो है वो हाईलाइट कराया हुआ है। उसके अंदर से जो है वो उन्होंने उसको किस तरह से हम यूटिलाइज करते हैं, वेरियस टाइप्स क्राइटेरियाज हमें वहाँ से भी मिल जाती हैं। इन बुक्स के अलावा अगर आपके पास डायनामिक्स ऑफ स्ट्रक्चर्स या सीज़मिक डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स या अर्थक्वेक इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स से रिलेवेंट कोई बुक अवेलेबल है, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। नाउ वी हैव अ समरी ऑफ द प्रीवियस लेक्चर्स। सो इस कोर्स में सबसे पहले हमने अर्थक्वेक से स्टार्ट किया। वी डिस्कस अबाउट साइज़मोलॉजी, वी डिस्कस अबाउट द टेक्टोनिक प्लेट्स, काजेज, व्हाट आर द सीज़मिक वेव्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीज़मिक वेव्स, एंड हाउ द अर्थक्वेक बेसिकली प्रोड्यूस ग्राउंड मोशंस, एंड अर्थक्वेक पैरामीटर्स हमने डिस्कस किए, जिसके अंदर हमने मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक जिसको हम रिक्टर स्केल से मेजर करते हैं, एंड व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक हम किस तरह से ऑब्जर्व और मेजर करते हैं। देन वी डिस्कस द सीज़मिक डिज़ाइन लिमिट स्टेट्स, कि डिज़ाइन लिमिट स्टेट्स हम किस तरह से फॉलो अप करते हैं, वो हमने डिस्कस किए। उसके बाद हमने सीज़मिक रिस्क एनालिसिस पढ़ा। देन व्हाट आर द सीज़मिसिटी ऑफ पाकिस्तान और हाउ द पाकिस्तान हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट सीज़मिक ज़ोन्स, वो हमने डिस्कस किए। एंड देन वी डिस्कस स्ट्रक्चरल सिस्टम फॉर सीज़मिक फोर्सेज आल्सो। उसके बाद हमने ग्रॉस सीज़मिक रिस्पॉन्स एंड इन्फ्लुएंस ऑफ बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन हमने डिटेल के अंदर डिस्कस किया, जिसके अंदर हमारी जो बिल्डिंग की एक ज्योमेट्री है या जो उसका एक पूरा स्ट्रक्चरल सिस्टम है वो किस तरह से हैंडल करता है इन तमाम सीज़मिक फोर्सेस को, या ग्रॉस सीज़मिक के अंदर वो किस तरह से रिस्पॉन्स करता है। देन वी डिस्कस द सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम एंड डैम्पिंग, फोर्स डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप्स, हाउ वी जनरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशंस एंड फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड्स। उसके बाद हमने डैम्प्ड सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम भी डिस्कस किया। दैन सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम हमने अंडर हार्मोनिक लोडिंग भी पढ़ा, उसके डिफरेंट डिज़ाइन हमने डिफरेंट किस्म के जो है वो डिज़ाइन एग्जाम्पल्स भी सॉल्व किए। बैंडविड्थ मेथड भी हमने डिस्कस किया, उसको भी हमने डिज़ाइन एग्जाम्पल के जरिए सॉल्व भी किया। देन वी डिस्कस द मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम अंडर मास स्प्रिंग एंड डैम्प सिस्टम के अंदर किस तरह से काम करता है, और मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के अंदर हम वेरियस पैरामीटर्स, आइगन वैल्यूज, आइगन वैक्टर्स, नेचुरल फ्रीक्वेंसीज, टाइम पीरियड्स, एंड उसके अंदर जो है वो हमने ये तमाम पैरामीटर्स डिस्कस किए, और मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के लिए हमने एक पूरा डिज़ाइन एग्जाम्पल भी सॉल्व किया। तो दिस वॉज अवर मेजर समरी ऑफ द प्रीवियस लेक्चर्स। हमने प्रीवियसली इस कोर्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो किस तरह से कवर अप की, और वो किस तरह से चीज़ें जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, इन अवर टूडेज लेक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस वॉट इज रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम। रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम क्या होता है, किस तरह से हम उसको यूज करते हैं, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम, उसके बाद यूजेज उसकी क्या है रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम की, हाउ वी कंस्ट्रक्ट द रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम कर्व। ये बेसिकली एक रिलेशनशिप है बिटवीन द स्पेक्ट्रल एक्सीलरेशंस एंड टाइम पीरियड, या बिटवीन द स्पेक्ट्रल एक्सीलरेशंस एंड फ्रीक्वेंसी, कि जब आपके स्ट्रक्चर के ऊपर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज अप्लाई होती हैं, हम किस तरह से जो है वो एक रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम कर्व डेवलप करते हैं। ये हमारा टॉपिक जो है वो मजीद 2-3 लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू रहेगा। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमें अपकमिंग क्लासेस के अंदर भी डिस्कस होनी है, तो यहाँ पे जो है वो हमने बेसिक्स उसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस भी हम डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम, रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम क्या होता है। रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम बेसिकली इज अ प्लॉट ऑफ मैक्सिमम रेस्पॉन्स, कि किसी भी स्ट्रक्चर का जब एक मैक्सिमम रेस्पॉन्स हमें मिलता है
for a linear single degree of freedom system oscillator for a given component of earthquake ground motion. कि जब एक earthquake apply होता है किसी भी structure के अंदर, हम consider करते हैं कि let's suppose a single degree of freedom system या singly degree of freedom system, इसके अंदर हमने mass spring system consider किया था या oscillator consider किया था, तो उसके अंदर ग्राउंड मोशन की वजह से मैक्सिमम रेस्पॉन्स क्या डेवलप होता है, दैट थिंग बेसिकली इज नोन एज अ रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम. द रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम इज अ प्लॉट ऑफ मैक्सिमम रेस्पॉन्स. मैक्सिमम रेस्पॉन्स किस चीज का? सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम का, जो कि ऑसिलेटर होते हैं, मास स्प्रिंग सिस्टम होते हैं अंडर ग्राउंड मोशन, ग्राउंड मोशन के अंदर. सो जनरली इन ग्राफ वी प्लॉट नेचुरल टाइम पीरियड ऑन एक्स एक्सिस एंड रेस्पॉन्स क्वांटिटी ऑन द वाई एक्सिस. अब रेस्पॉन्स क्वांटिटी किस टर्म के अंदर बात करते हैं, उस पर हम मजीद आते हैं कि रेस्पॉन्स क्वांटिटीज हम थ्री डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर कंसीडर कर रहे होते हैं. तो एक्स एक्सिस के अंदर हम नेचुरल टाइम पीरियड कंसीडर करते हैं या नेचुरल फ्रीक्वेंसी को रखते हैं, और वाई एक्सिस के अंदर हम रेस्पॉन्स रखते हैं. तो इन दोनों की जो एक कम्युलेटिव जो रिलेशनशिप डेवलप हुआ, जो एक बिहेवियर डेवलप हुआ, दैट बिहेवियर इज नोन एज अ रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम कर्व. तो दिस रेस्पॉन्स क्वांटिटी कैन बी अ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, कैन बी मैक्सिमम वेलोसिटी एंड कैन बी अ मैक्सिमम एक्सीलरेशन. कि ये तीनों चीज़ें हो सकती हैं पॉसिबली, कि तीनों चीज़ें जो है वो हमारे डिफरेंट सीज़मोग्राफ्स या जो हम एक्सीलरोग्राम्स यूज़ करते हैं रिकॉर्ड करने के लिए डेटा, वो हमें ये तीनों वैल्यूज़ प्रोवाइड कर रहे होते हैं. एक पूरा कंप्लीट कर्व जो कि हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, हमारे पास एक पूरा जो है वो एक स्केच डेवलप होता है पूरा कंप्लीट वाइब्रेशन का, उसमें से हमें पीक वैल्यूज कितनी डेवलप हुई या कितनी मिलती हैं उस ग्राफ में से, उन पीक वैल्यूज को बेसिकली हम ड्रॉ करते हैं या प्लॉट करते हैं इन द रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम कर्व. सो व्हेन वी प्लॉट रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम फॉर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, हमारे पास जो है वो ट्रेंड डेवलप होता है जिसको हम रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम कर्व कहते हैं. सो नाउ वी आर कंसीडरिंग एन आइडियलाइज स्ट्रक्चर. एक हमारे पास सिंपल आइडियलाइज स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम डिफरेंट जो है वो सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम्स कंसीडर कर रहे हैं. जैसे आप इस फिगर के अंदर देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो तीन डिफरेंट सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम्स जो है वो हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं, या तीन आपके पास मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं लेट्स सपोज. यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं कि मास वन, मास टू, मास थ्री. मास थ्री इज द लीस्ट मास, मास टू, मास वन इज द मीडियोकर, और मास टू बेसिकली इज द हाईएस्ट मास. और इसी तरह से मास वन के लिए जो हमने कॉलम प्रोवाइड किया है दैट इज मीडियोकर कॉलम, के वन स्टिफनेस है. मास थ्री के लिए के थ्री जो है वो स्मॉलर कॉलम है, और मास टू के लिए जितना मास है उसी हिसाब से हमने स्टिफनेस या उसकी जो कॉलम है वो के टू स्टिफनेस का हमने प्रोवाइड किया है. और इन तीनों मासेस और स्टिफनेसेस को हम यूज करके टाइम पीरियड्स कैलकुलेट करते हैं, और हमारे पास तीनों केसेस के अंदर लेट सपोज वन क्राइटेरिया के अंदर मास हमारे पास आ गई, टाइम पीरियड आ गया टी वन, सेकेंड केस के अंदर टी टू, और थर्ड केस के अंदर टी थ्री टाइम पीरियड आ गए. So in the first structure has a mass 1 m1 and stiffness k1, and if we calculate the natural time period t1, our हमारे पास relationship जो develop हुआ is equals to 2 pi under root m1 यानी mass 1 over stiffness 1. इससे आपको जो है वो एक time period record हो जाएगा. Exactly इसी तरह से अगर आप second structure को consider करोगे तो आपके पास वही equation use होगी. Mass 2 और k2 को use करके आप time period भी calculate कर सकते हैं. तो time period 2 will be equals to 2 pi under root mass 2 over stiffness 2. और इसी तरह से आप थर्ड जब स्ट्रक्चर की बात करोगे तो मास थ्री हमारे पास हो जाएगा, और मास थ्री और स्टिफनेस थ्री ऑलरेडी है, तो टाइम पीरियड थ्री जो है वो हमारे पास हो जाएगा टू पाई मास थ्री ओवर के थ्री अंडर रूट, जो है हम यूज करते हैं फॉर्मूला. अब ये हमने तीन डिफरेंट आइडियलाइज स्ट्रक्चर्स थे, तीनों के लिए हमने डिफरेंट टाइम पीरियड्स कैलकुलेट किए. और हमारे पास असल में हमने क्यों तीनों को कंसीडर किया, कि हम बात करते हैं कि आइडियलाइज स्ट्रक्चर के अंदर या सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के अंदर हमारे पास वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स थे, हमने अलग अलग स्ट्रक्चर्स के लिए डेटा रिकॉर्ड कर लिया. एक स्ट्रक्चर की जो है वो हमारे पास मास ज़्यादा थी, दूसरे की कम से कम थी, तीसरा मीडियोकर था, स्टिफनेस भी उसी हिसाब से वेरी कर रहे थे. तो यहाँ पे हमारे पास जो पॉसिबिलिटी है वो यही है कि टाइम पीरियड हो सकता है कि इस केस के अंदर, क्योंकि मास और स्टिफनेस आपस में कोरिलेट कर रहे हैं. यहाँ पे अगर आपका मास मीडियोकर है तो स्टिफनेस भी मीडियोकर है, कॉलम की थिकनेस आप देख सकते हैं. मास अगर हायर है तो कॉलम की थिकनेस भी हायर है. मास अगर सबसे कम है तो कॉलम की थिकनेस भी सबसे कम है. तो इस केस के अंदर हमारे पास जो केस डेवलप हुआ कि वी कैन से दैट व्हाट द रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम गिव्स इज इन द फंडामेंटल पीरियड. फंडामेंटल पीरियड तीनों केसेस के अंदर टी वन, टी टू और टी थ्री जो है, हो सकता है कि ये तीनों टाइम पीरियड जो है वो सेम आ रहे हो सकता है कि डिफरेंट भी आ रहे हो.
So if we consider that the time period 1 is equals to time period 2 is equals to natural time period 3, all are same, then for a given component of earthquake ground motion, maximum response will be same for all the oscillators. कि जब आप different masses थे, different stiffnesses थी, आपका अगर time period same आ रहा है, तो हमारा जो structure है, वो maximum response उसका under the ground motions, under the earthquake condition, जो oscillator है, वो एक ही response, maximum response show करा रहा होगा. Maximum response किस category के अंदर? Maximum displacement की category भी हो सकती है, maximum acceleration भी हो सकती है, और maximum velocity भी हो सकती है. So it means that no matter what is the mass or stiffness का factor यहाँ पे लागू नहीं है, हम सिर्फ time period की base पे judge कर रहे हैं. कि हम कह सकते हैं कि mass और stiffness of the structure जो है वो no matter what is the values for them. So if the time period is matching, the maximum response will be same for all the oscillators. अब इसको मजीद इसी चीज को हमने आगे लेके चलना है, तो मजीद आपको सारी चीजें जो है वो स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो जाएंगी. सो द मैक्सिमम रेस्पॉन्स ऑफ लीनियर सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम टू एनी गिवन कंपोनेंट ऑफ अर्थक्वेक मोशन डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड डैम्पिंग. कि आपका मासेस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है स्ट्रक्चर, आपकी स्टिफनेस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. अगर आपका टाइम पीरियड मैच कर रहा है, तो आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी और डैम्पिंग के ऊपर आपका पूरा ऑसिलेटर सिस्टम जो है वो एक मैक्सिमम रिस्पॉन्स दे रहा होगा. उसके अंदर बाकी आपके मासेस और जो है वो स्टिफनेस की कोई इंपॉर्टेंस या कोई वैल्यू नहीं है. तो इसी चीज को जो है वो मजीद हम डिटेल के अंदर यहाँ पे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम किस तरह से काम करता है, या हम जो ऑसिलेशन